चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला में तुहाडा स्वागत है। कल असी पंजाबी व्याकरण का टॉपिक क्रिया कीता सी, जो कि तुहानू आई थिंक चंगी तरह समझ आ गया होना। अज असी उसनू कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट टॉपिक तुहाडे सामने लैके आए हैं, क्रिया विशेषण। पेपर के पक्षों देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिहड़ा कि पेपर के पुट किया जाता है। देखो इसते कवचना जो कि तरीके वे पुट किए जाते हैं, इतने तीन वे कवचन पुट किए जाते हैं। सब तो पहला पुट किया जाता गा कि क्रिया विशेषण किन्नियां किस्मां होंदियां हन। एन नंबर दो ते एग्जामीनर द्वारा तुहानू एक सेंटेंस एक वाक दिता जाएगा ते पुट किया जाएगा कि इस विच किस प्रकार की जिहड़ी क्रिया आई आ, कालवाचक, स्थानवाचक, कारणवाचक, प्रकारवाचक। सो इस तरह का जिहड़ा क्वेश्चन पुट किया जाता गा, जां फिर वाक दे विच क्रिया विशेषण किहड़ा गा। सो इस तरह के क्वेश्चन पुट किए सानू जा सकते हैं। सो इस करके अज की वीडियो तुहाडे लई काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगी। सो वीडियो शुरू तो लैके अखीर तक जरूर देखना ता कि तुहाडा जिहड़ा कोई भी क्वेश्चन इत्थों जिहड़ा हो गलत ना हो। सो देखते हैं सब तो पहला अज का थाउट। देखो अज का थाउट साढ़े मन्ने परमन्ने राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि भारत के 11वें राष्ट्रपति होए ने, तो उन्होंने काफ़ी थाउट दिते सी, जिन्हां विचों उन्हां दा एक थाउट सीगा कि सुपने वो नहीं होंदे, कि सुपने वो नहीं होंदे जो असीं रात नूं वेखदे हाँ। असल दे विच सुपने किहड़े होंदे आ, जो सानूं दिन वेले सौण नहीं दिंदे। सो कहण दा मकसद सी कि सानूं जिंदगी दे विच जो असीं अपना एम, जो असीं टारगेट मिथिया होया, असल दे विच वो तुहानूं दिन वेले भी सौण नहीं दिंदा, जिसनूं इसनूं अगे जा के पूरा करना होंदा गा। ठीक है, तो इस तरह का जो थॉट सी, काफ़ी ज़्यादा संघर्ष, काफ़ी ज़्यादा मेहनत इन्होंने जिंदगी दे विच कीती हुई है। सो अज स्टार्ट करते हैं आपां अज दा जिहड़ा टॉपिक आ क्रिया विशेषण। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के विचों आपां देखते हैं, सब तो पहला जिहड़ा पॉइंट देखने का नोट करदी तुहाडे लई की जरूरी आ भी जिहड़ा क्रिया विशेषण आ उस दीआं टाइप्स किन्नियां होंदियां ने जी। सब तो पहला तुहानूं इस दीआं टाइप्स पता होनी चाहीदियां ने, जिहड़ियां कि पेपर दे विच पुट कीतियां जा सकदियां ने। पिछली बार पटवारी के भी एक क्वेश्चन पुट किया गया कि क्रिया विशेषण कितनी किस्म होंदियां ने, तो 8 किस्म जिहड़ियां क्रिया विशेषण दीआं हो सकदियां ने। तो सब तो पहला उस तो बाद तुहानूं देखण दी लोड़ आ कि क्रिया विशेषण हुंदा की आ। जिस तरह आपां कल पढ़ रहे सीगे कि क्रिया कहण दा भाव जिन्हां तों किसी काम का होना या करना सानूं पता लगता सी, अज आपां कर रहे हां क्रिया विशेषण। सो इस दे विच की आगा, इस दे विच की हुंदा, देखो जिहड़े शब्द किसी क्रिया के वापरन का ढंग या तरीका बयान करते हैं। ठीक है ना जी, इस दे विच थोड़ा जिहा आपां अगे चलीए भी इहदे विच क्रिया जिहड़ी किहड़े तरीके नाल वापर रही आ, किहड़े ढंग नाल वापर रही आ, किहड़े स्थान ते वापर रही आ, जेकर यह गल की जाती है तो वह एक क्रिया विशेषण की गल की जाएगी। जे मैं इत्थे एक एग्जाम्पल लेना आम तौर पर, ठीक है, जे मैं इत्थे गल कहाँ कि बच्चा हौली हौली चल रहा है, इत्थे एक सेंटेंस हैगा कि बच्चा हौली हौली चल रहा है, तो इत्थे की आ बच्चा जिहड़ा करता गा, चलना की आ किरिया गी, तो हौली हौली की आ उहदा जिहड़ा गा विशेषता गी। जां मैं बोलां भी पक्खा हौली हौली चल रहा है तो उहदे चलण दा जिहड़ी उह विशेषता गी, मीह तेज़ पै रहा है, मठी मठी हवा चल रही है। सो जदों किरिया की विशेषता आ जाए भी किरिया किस तरीके नाल वापर रही आ, किस ढंग नाल वापर रही आ, किस थां ते वापर रही आ, सो उसनूं आपां की कहांगे जी, क्रिया विशेषण कहांगे। तां अगला जिहड़ा किस्म आपां पहलां भी कर चुके हां भी जिहड़ियां क्रिया विशेषण दीआं किस्मां होंदियां ने जी, उह होंदियां ने 8। इत्थे क्रिया विशेषण की गल कर रहे हां जी कि ना कि आपां किरिया दी, इत्थों ते नोट करना क्रिया विशेषण दीआं किन्नियां किस्मां होंदियां ने जी, 8 तरह दीआं होंदियां क्रिया विशेषण। तो बड़ा सिंपल आ, देखो जी इहदे विच नाम तो ही साढ़े क्लीयर हो जाएगा। सब तो पहला हैगा कालवाचक क्रिया विशेषण। सो कालवाचक क्रिया विशेषण जिहड़ा की हुंदा गा, काल तो भाव की हुंदा आपां तौर ते जानदे हां, समा, टाइम, टाइम ऑफ एडवर्ब बोलदे हां इंग्लिश दे विच भी कालवाचक क्रिया विशेषण। सो काल की हुंदा जिथे गल समय दी कीती जावे, जिथे गल टाइम दी कीती जावे, जिथे सानूं पता लगे कि क्रिया कदों वापर रही है, कदों तो भाव 2 घंटिया तो, कल, परसों, साल, 2 साल, 10 साल, 100 साल, जिथे गल टाइम दी आ जाए तो वह की होगा जी, कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। सवेरे, शाम, ये सारे की है साढ़े क्रिया विशेषण
की गल आप जिते इतने गल कर रहे हैं कालवाचक क्रिया विशेषण के आप कर रहे हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, चाहे वह सवेरे भी हो सकता, शाम भी हो सकता, कल परसों, दो घंटे, महीना, दो महीने, टाइम का भाव की आ टाइम। सो इतें एक एग्जाम्पल आप दिती हुई आ भी गड्डी 8 बजे स्टेशन पर आवेगी, तो 8 बजे आ जिहड़ा उत्थे की आ गया जी टाइम आ गया। सो इस करके किहड़े काल दे विच आ गया जी कालवाचक किरिया विशेषण दे विच। सो बड़ा सिंपल आ गा, जिथे गल टाइम दी आ जी तो उसनों असी की कहांगे जी कालवाचक किरिया विशेषण। एंड सैकेंड आप गल कर लिए अगली जिहड़ी हैगी स्थानवाचक किरिया विशेषण। स्थानवाचक किरिया विशेषण दे विच की हुंदा जी, देखो स्थान, स्थान की हुंदा एक जगह, कहण दा भाव जिहड़ी किरिया गी उह कित्थे वापर रही आ, किरिया दे वापरन दा जो आप कह दिए भी स्थान किहड़ा गा। ठीक है, क्योंकि किरिया सज्जे भी हो सकती आ, खब्बे, अगे, पिछे, ग्राउंड, स्कूल, घर, असमान, धरती, किते भी हो सकती आ। सो जिथे गल स्थान दी आउंदी आ तां देखो इवें सज्जे खब्बे ये सारा ही आ, कमरा, ग्राउंड, नेड़े, दूर, ये की दर्शाते हैं शब्द, ये साड़ी स्थान नूं दर्शाते हैं जी, स्थान जगह नूं। मान लो मैं कहना भी बच्चे ग्राउंड विच बैठे हैं या ग्राउंड विच बैठ के पढ़ रहे हैं, बच्चे ग्राउंड विच बैठ के पढ़ रहे हैं, तो ग्राउंड उन्हां दा स्थान आ गया जी, इस करके उसनूं की कहांगे स्थानवाचक किरिया विशेषण। तो बड़ा सिंपल गल आ, तुसीं की देखना जिथे गल स्थान की आ जाए तो उसनूं की ला देना जी स्थानवाचक किरिया विशेषण। नैक्सट आप गल करते हैं जी प्रमाणवाचक किरिया विशेषण। प्रमाणवाचक, प्रमाण बड़ा सिंपल गल आ, एक अंदाजा हुंदा, आप पहला भी वार बार पढ़ते आ रहे हैं, जिथे किरिया के होण दा अंदाजा लाया जाता, सिर्फ अंदाजा। ठीक है, कोई पक्की गिनती नहीं डिसाइड की जाती, या संख्या के जिमें इतने एग्जाम्पल ने इन्ना, बहुता, बथेरा, अधूरा, कुछ क, थोड़ा। ठीक है, ये सारिया एग्जाम्पल की ने एक परिमाण दर्शाउंदियां ने, एक पैमाने दर्शाउंदियां ने, ना कि इन्हां दी गिनती है जिहड़ी, वो आप कह दिए परमानेंटली आ। सो इस करके मैं कहदा भी अज बथेरा मीह पिया, अज बहुता मीह पिया, अज कुछ कु मीह पिया, जां राम कुछ पढ़ रहा है, ठीक है, उसने बहुता खाना खाधा। सो कहण दा भाव इत्थे की आ, इत्थे जिहड़ी आ एक अंदाजा गा, एक प्रमाण आ, जिस करके इसनूं किहड़ी श्रेणी दे विच रखांगे असीं प्रमाणवाचक किरिया विशेषण दे विच। ठीक है, नैक्सट उस तो अगे चलते हैं जी, अगली जिहड़ी इहदी टाइप्स वल वधदे हां आपां। नैक्सट आपां देखते हैं जी अगली टाइप्स, अगे हैगा जी चौथी जिहड़ी इहदी किस्म आ जी, फोर्थ प्रकारवाचक किरिया विशेषण। प्रकार जी, देखो प्रकार की हुंदा गा, किरिया ये किस किरिया विशेषण नूं कहांगे आपां प्रकारवाचक, किरिया किस तरीके नाल वापर रही आ, किरिया किस वे नाल वापर रही है, किस तरीके नाल वापर रही है। ठीक है, इत्थे आपां जेकर गल करिए जिवें आपां पहलां गल कर रहे सी किस तरह दी एग्जाम्पल आउणी आ, तेज़, ठीक है, वी किरिया किहड़े तरीके नाल वापर रही आ, तेज़, जां फिर हौली, इदां, सहजे सहजे, मठी मठी। सो जिथे किरिया के वापरन का सानू तरीका दसया जाता गा, जे मैं इत्थे बोलां भी मठी मठी हवा चल रही है, तो ये मठी मठी शब्द की आ गई, किरिया की विशेषता भी दसदा, तो नाल ही की आ वह किहड़े प्रकार की आ उसकी गल की जाती है, जां बस बड़ी तेज़ तेज़ आ रही सी, ठीक है, हौली हौली, तेज़ तेज़, ठीक है, तो सहजे सहजे, एक किरिया के वापरन का जिहड़ा वो तरीका दसया जाता जी। अगली जी टैक्स वाल पाते हैं आप, संख्यावाचक किरिया विशेषण। संख्या, जिथे गल संख्या की कीती जाती है, जिथे गल टर्म की कीती जाती है। सो देखो वो किरिया विशेषण जिहड़े किसी किरिया की गिनती जां वारी बारे दसते ने, बस तुसीं कल्ला याद की रखना गिनती जां वारी बारे जिहड़े दसते ने। सो देखो जिवें आपां गल कर लिया भी यार वो मेरे कोल कदे कदाई गेड़ा मारता है, जो उसने कदी कदाई पढ़ भी लिया, या फिर घड़ी मुड़ी मीह पै रहा गा, ठीक है, या घड़ी मुड़ी उसने गलती की, दोबारा दोबारा, एक बार, दो बार, तीन बार, इस तरह के एग्जाम्पल भी आ सकते हैं। ठीक है, सो ये वारी की जी गल की जाती आ, टर्न की गल की जाती आ। जे मैं इतने थोड़ा जा कई बार उलझ जाने, जे मैं कहदा
भी जिहड़ा मोहना 10 साल तो विदेश रह रहा है, मोहना 10 साल तो विदेश रह रहा है, इस दे विच कीड़ी जिहड़ी क्रिया विशेषण की गल की जाऊगी तो इस दे विच उहदा समां आ जूगा तो कालवाचक की गल की जाऊगी भी 10 साल तो विदेश विच रह रहा है। जे मैं गल करां कि जिहड़ा मोहना 10 बार विदेशों आ चुकिया है तो उत्थे की आ संख्या की गल की जाऊगी। तो बड़ा सिंपल हैगा, थोड़ा जिहा माइंड विच समझना, उत्थे ट्रिक भी आ, वह हर वारी इदा करता गा जां वारों वारी गलती करता गा। सो ये एग्जाम्पल जिहड़ियां वह संख्यावाचक क्रिया विशेषण दीआं ने जी, काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट आ तुहाडे लई। नैक्सट जिहड़ा आपां गल कर लईए 6 नंबर जिहड़ा हैगा कारणवाचक क्रिया विशेषण, जिहड़ा सी कारणवाचक क्रिया विशेषण। सो कारण दे विच की हुंदा, देखो जी कारण हुंदा जे आपां गल कर लईए किसी काम नूं करन दा कोई कारण हुंदा जां फिर ना करन दा कोई कारण हुंदा, तां इही गल आ क्रिया दे वापरन दा कारण दसना भी जिहड़ी क्रिया जे वापर रही आ क्यों वापर रही आ, जे नहीं वापर रही तां क्यों नहीं वापर रही। जिहड़े शब्द उसदा कारण दसदे ने उहनां नूं असीं की कहांगे जी, कारणवाचक क्रिया विशेषण। जिवें मैं किसी बच्चे नूं कहां कि तुसीं कल स्कूल क्यों नहीं आए, तो उसने कहा कि मैं कल बीमार सी इसलिए स्कूल नहीं आया। सो हुण जिहड़ा इसलिए आ जां इस करके आ क्योंकि आ, ये सारे शब्द की आ जी अपने कारणवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में रखे जा सकते, ठीक है। सो भी जेकर क्रिया वापर नहीं रही तो क्यों नहीं वापर रही, जेकर तुसीं पढ़ रहे हो, जेकर तुसीं पढ़ रहे हो तो कारण की आ, एक एग्जाम नूं क्रैक करना, ठीक है, एक जॉब लेनी। सो इस करके आप रखांगे कारणवाचक क्रिया विशेषण की श्रेणी में रखांगे। नैक्सट आप गल करते हैं तागीदवाचक क्रिया विशेषण, तागीद, ठीक है। इस दे विच की हुंदा गा तागीदवाचक क्रिया विशेषण, देखो जी जिन्हां शब्दों तो क्रिया दे होण दी तागीद दा पता लगे भी वह होणगे किहड़े तरीके नाल होणगे, जिस तरह आपां मैं कहदा किसी नूं कहा काम तागीद शर्त, ठीक है, भी तुसीं एक काम आ जिहड़ा उह करोगे, जेकर उत्ते उहनां नूं पक्का जिहड़ा आंसर आएगा भी जरूर हाँ मैं काम करांगा जां बिल्कुल बेशक, ये एग्जाम्पलां तुहाडियां जिहड़ियां तागीदवाचक क्रिया विशेषण दीआं होंदियां ने, ठीक है। रिस्पोंस दे विच तुहानूं मिलदा जरूर बिल्कुल बेशक। सो इस दे नाल ही एक इहदे नाल मिलदी जुलदी इहदी किस्म हैगी निरणावाचक क्रिया विशेषण। सो इस दे विच की हुंदा जी, इस दे विच निरणा लिया जांदा गा, फैसला लिया जांदा गा कि तुसीं किसी नूं कोई काम किया अगों उसने उहदा रिस्पोंस की दित्ता गा कि उह करेगा जां फिर नहीं करेगा, उहदा आंसर की होएगा। देखो किसी वल्लों काम दे कहण ते अगों जवाब विच होण वाला निरणा की आ, इहदे विच निरणा लिया जाऊगा। जे मैं किसी नूं कोई काम किया तो उन्होंने कहा आहो मैं इह काम जरूर करांगा, जरूर हाँ जी ना जी भी नहीं भी करांगा, हो सकदा कर भी सकदा नहीं भी कर सकदा। सो इस जिहड़ा अज दा अपना अज दा टॉपिक जिस दे विच असीं क्रिया विशेषण दीआं 8 किस्मां नूं बड़े ट्रिकमई तरीके दे नाल जिहड़ा सॉल्व कीता गा, सो आई थिंक जिहड़ा अज दा टॉपिक है तुहानूं चंगी तरह समझ आ गया होणा गा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक होंदे ने जेकर पंजाबी ग्रामर दे विच देखा जावे, नाम पड़नाम क्रिया क्रिया विशेषण जिहड़े आपां कर चुके हाँ, इस तों बाद संबंधक योजक विस्मयक, ये जिहड़े अपने टॉपिक हले बाकी ने। सो नैक्सट टॉपिक के आपां तुहाडे सामने जिहड़ा इसका अगला टॉपिक लैके पेश होवांगे। सो उदों तक मिलदे हां, धन्यवाद, जय हिंद।